इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों व्यापारी के घर में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए दो आरोपियों के साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले सेठ को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पकड़ाए आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नशे और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए वे चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा द्वारा बताया गया कि राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ईश कुंज कॉलोनी में रहने वाले फरियादी के घर में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे। पूरे मामले में पुलिस ने उमेश आर्य और सुभाष नामक दो युवकों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि उन्होंने चोरी का माल सेठ लाल उर्फ अनिल नायडे नामक पीओपी का काम करने वाले कारोबारी को बेच दिया। इसके बाद पुलिस ने चोरी के प्रकरण में कारोबारी को भी आरोपी बनाया। फिलहाल पकड़ाए दोनों ही बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है, ताकि अन्य चोरियों का भी खुलासा किया जा सके। दिनांक 25 नवंबर को थाना राजेंद्र नगर में पंकज पाटीदार इनके घर में जो चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और एक टीम को वहां लगाया गया, और इसके बाद विवेचना में पुलिस ने संदेह के आधार पर इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का नाम जो है वो उमेश और दूसरे का नाम सुभाष। ये दोनों की दोनों द्वारकापुरी के रहने वाले हैं, और जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने प्रकरण में घटना करना स्वीकार किया, और इनके पास से पुलिस को मसरूका करीब जो सोने का मसरूका बरामद हुआ, और इसके अलावा इनके द्वारा जो चोरी का मशरूका है वो एक इनके जो सेठ हैं लालू उर्फ अनिल, इनको बेचा गया था, जिसके बाद पुलिस ने ये जो आरोपी सेठ है इसको भी गिरफ्तार किया और 411 का इसमें आरोपी बनाया गया। कितने का अनुमानित कीमत लगभग 1,60,000 रुपये की है, और पुलिस ने पूरा मशरूका जिसमें सोने की चैन अंगूठी और चांदी का भी सामान है सारा आरोपियों से जब्त कर लिया। इसमें जो प्रमुख रूप से जो बदमाश है उसका नाम उमेश है, उमेश पिता रमेश आर्य, ये द्वारकापुरी क्षेत्र का रहने वाला है, और इसके ऊपर 5 अपराध हैं। इन अपराधों में चोरी के अलावा गृह भेदन, अपहरण और मारपीट जैसे अपराध शामिल हैं। तो ये आरोपी जो हैं वो नशे के आदि भी हैं, जिससे ये लगता है कि आरोपी जो हैं वो अपने नशे की आदत को पूरा करने के लिए और अपने शौक को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाएँ करते थे।